शुक्रवार को अलीपुर जिला और दायरा अदालत में कोलकाता के मेयर शोभन चटर्जी और उनकी पत्नी रत्ना चटर्जी के तलाक की सुनवाई की गई। इस दौरान मेयर के साथ बैसाखी बंदोपाध्याय भी अदालत पहुंची थी। 16 एडीजे जज शांतनु मित्रों की बेंच के समक्ष बिना किसी के अंदर आने की अनुमति के बीच ये सुनवाई प्रक्रिया चली। सुनवाई के दौरान दोनों पक्ष, उनके वकील और जज ही उपस्थित थे। सुनवाई होने के दौरान अदालत में बैसाखी बंदोपाध्याय वकीलों को निर्देश देती हुई नजर आई। दोनों पक्षों के वकीलों द्वारा तमाम दलीलें सुनने के बाद अदालत ने 9 जुलाई को फिर सुनवाई की तिथि तय की। इस विषय पर वकीलों ने बताया कि नेक्स्ट डेट আছে 9 তারিখ লোকসভা ভেকেশন আমরা যে অ্যাপ্লিকেশন গুলো ফাইল করেছি ওগুলোর হিয়ারিং আর ওনারা যে একটা অবজেকশন দিয়েছেন এই দুটোর হিয়ারিং একসাথে।